वालेकुम। आज बनाऊंगी मज़ेदार से कुल्फ़ा। ठीक है, कुल्फ़ा बनाने के लिए हमने चीज़ें देख लीजिए। मैंने चीनी ली है तकरीबन एक प्याली, ठीक है, और दूध मैंने लिया एक गिलास। बहुत कम चीज़ों में हम इसको कुल्फ़े को तैयार करेंगे। एक गिलास दूध में हमने तैयार करना है, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स हैं हमारे, ठीक है। और जो चीज़ें मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें मेरी रेसिपी। अच्छा, चीनी को हमने, अच्छा ये एक प्याली चीनी, इसका मैंने क्रंच तैयार करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने मक्खन लगा दिया है, ठीक है। बटर लगा लें आप, या ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमें इसको चीनी को फैला देनी है, ठीक है। इसका इसको मैंने इस तरह से फैला दिया। इसका मैंने क्रंच तैयार करना है, ये खुद ही पिघलती जाएगी, इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती रहूँगी किस तरह से हमारा बनेगा। ये देखिए, ये चीनी हमारी घुल रही है, इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा, जलना नहीं चाहिए ये, ठीक है। ये देखें, इसी में घुल जाएगी और उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिए, बिल्कुल चेंज हो गया इसको, ठीक है। हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, इसमें मैंने, इसमें ट्रे में मैंने बटर लगा दिया था थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं इसमें फैलाऊँगी, इसको मैंने फैला देना है। अच्छा, इसको हमने ठंडा करना है, उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर करूँगी। इसका पाउडर तैयार करना है हमने, ठीक है। ये मैं ठंडा कर रही हूँ, इससे मैंने इसको फैला देना है। ये देखिए, ये जी मेरा क्रंच जो है, ये हमने इस तरह से तैयार किया था और आधा मैं पीस चुकी हूँ। देखिए, मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया और थोड़ा सा हमने बचाया है जो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसको, बिल्कुल और बारीक करके, ठीक है। इसको मैंने तोड़ के बारीक करना है, ठीक है। हम इसको करते हैं साइड। अच्छा, ये पाउडर जो मैंने इसमें बनाया था, अगर ये थोड़ा सा मोटा भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दूध में पकाना है, ये खुद ही घुल जाएगा, ठीक है। इससे एक बेहतरीन कलर आता है जो हमारे रबड़ी में या हमारे रबड़ी दूध में या कुल्फ़ा में जो एक कलर होता है ना, पिंक कलर का, ये वो कलर आएगा। अच्छा, इसमें ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये एक प्याली मैंने नीडो लिया है, आप दूध कोई सा भी पाउडर वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने नीडो लिया है, ठीक है। अच्छा, ये बादाम पिस्ते हैं, ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको मिक्स करके हमने जो दूध पकाया है उसमें ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मीठा बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने मिक्स करने के बाद इस प्याली में, ठीक है, इस प्याली में निकाला है, क्योंकि हम डायरेक्टली ये पूरा नहीं डालेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका ये ज़्यादा भी बन जाए, इसलिए मैंने इस प्याली में निकाला है ये एक प्याली, ठीक है। एक गिलास के लिए वैसे तो ये एक प्याली सही है, लेकिन आपको कम लगे तो आप इसमें से और भी डाल सकते हैं, और ये आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। जब आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन एक प्याली एक गिलास दूध के लिए बहुत है। इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। इसको मैं 2-4 मिनट के लिए पकाऊंगी, ये गाढ़ा हो जाएगा तकरीबन, ये हमारा रेडी हो जाएगा। देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया, बिल्कुल पिंक कलर हो गया है, ठीक है। ये देखें, अच्छा ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मैं 2 कतरे के करीब बिल्कुल मामूली सा जो है ना वनीला एसेंस डाल दें, जिससे थोड़ा सा हमारा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से ये गाढ़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। इसको मैं ठंडा करूँगी, तकरीबन ये ठंडा हो गया और गाढ़ा भी हो गया, ठीक है। मैं इसको बॉल्स में निकाल ली, ठीक है। इस बॉल में मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। अच्छे से हमने इसको निकाल के इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे हमने फ्रीज़र करना है, ठीक है। जो हमने बचाया था क्रंच अपना थोड़ा सा, उसको मैंने इस तरह से बारीक कूट लिया है, ठीक है। ये देखिए, बारीक बारीक हो गया, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमने क्रंच कुल्फ़ा तैयार करना है, ठीक है। इस तरह मैं डाल दूँगी और इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा हमने बचाया था, ये थोड़ा सा मैं ऊपर से इस तरह से डालूँगी, ठीक है, ताकि ये नीचे ना बैठे, ये ऊपर रहेगा थोड़ा सा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें डाल के इसको मैं कवर करके, देखिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको तकरीबन हम 4 से 6 घंटे हम डी में रखेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। ये बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है, ये देख लीजिए बिल्कुल जम गई है, ठीक है। अच्छा, मैं साइड से इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से करना है, अगर ये ना निकले तो इसको पानी में इस तरह से करेंगे तो ये साइडों से निकल जाएगी, ठीक है। मैंने इस तरह से ट्रे में रख के, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पुश करेंगे, ये देखिए ये नीचे आ गई, ठीक है। इसमें मैं इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते डालूँगी, इस तरह से मैं इसको कट करके दिखाऊंगी। अच्छे देखिए कितनी सॉफ्ट सी बनाए हमारा, ये देखें बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ का चाल नहीं है, देखें बिल्कुल बहुत मज़े की बनती है। कुल्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, क्रंच कुल्फ़ा हमने तैयार किया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।